एक छोटी सी उसमें बात मान ली होती उन्होंने तो इतनी नौबत नहीं आवे। आज इन्हीं के स्टेट में क्या दिन हो रहा सरकार का, कितनी छवि खराब हो रही। तो हम तो यही चाह सरकार ये जीती रहे या छोटे और एक अच्छी तरह से बात करे। हमें नो ही नहीं पता है सरकार का जिम्मेदार कौन है भाई, सरकार में जिम्मेदार कौन है, कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के जावे अपना जिद्दी रवैया छोड़ के। जनता के साथ में नहीं पूरा पार सकती सरकार, जनता या हिंसा में विश्वास नहीं रखती। एक अच्छे तरीके से शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन करू जाएंगे, पीछे नहीं हटने के। राकेश टिके तुम कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, नहीं ऐसा घर वापसी कैसे चले जा करू भाई, जब 70-72 दिन हो लिए तो घर वापसी किस मुंह तक जा, क्या लेके जा, जनता को क्या जवाब दे, जहां तक चले थे वही हो जाए। तो तरह तरह के आरोप लगे, इस तरह आरोप तक बचने के लिए उस तक करने के लिए तो बैठनी तो मजबूरी है लोगों की। सब संगठन एकजुट हो गए, सब पार्टी एकजुट होगी, पूरा भारत एक है, एक तरफ भाजपा पार्टी है और एक तरफ सब पूरा भारत है। अगला निर्णय क्या रहेगा किसान का? नहीं अगला तो देखो आगे का, कल के दिन का क्या पता, आने वाले भविष्य के बारे में कौन बता सके। हम तो यही चाह जनता से अपील यही करे शांति बनाओ रखो। ये 33-34 साल का संगठन हो लिया, अनुशासन में ये संगठन चला। अगर अनुशासन से कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, कोई घर हो, अनुशासन तो बाहर निकले तो गड़बड़ हो। सब तो बढ़िया ये बात है, अनुशासन में रहे और अपना काम करू जा, सब इनके साथ है। संयुक्त मोर्चा इनके साथ है। हिंसा में हम कभी विश्वास नहीं रखते, हिंसा कोई समाधान नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को हम यही कहे हिंसा का रास्ता ना अपनाइयो बिल्कुल भी, कहीं कुछ भी हो, लाठी चलो, गोली चलो, सब कामयाबी मिलेगी, पर हिंसा में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी।